नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बजे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के लेसन 4 के बारे में। इससे पहले हमने 3 लेसन को डिस्कस किया, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको वहां से देख सकते हैं। और हम अपने वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है, जितना एग्जाम में पूछा जाता है। तो आने वाले जितने भी एग्जाम है, जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, सभी के लिए जनरल साइंस का ये सीरीज ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज्यादा देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हम अपने पहले टॉपिक को देखते हैं। तो पहला टॉपिक आपसे पूछा गया कि विभिन्न पैमानों पर तापमान क्या होता है, ठीक है, अलग अलग जगहों पर तापमान क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है जल का जमना। जल का जमना तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, आप लोगों को पता होगा। जल का जमना मतलब जल फ्रीज कितने डिग्री टेम्परेचर पे हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होता है, जम जाता है। जब इसको फेरनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 32 फेरनहाइट निकलता है 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब, ठीक है। उसके बाद 273 केल्विन, ये क्या हो जाएगा, 273 केल्विन। 273 केल्विन मतलब क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस को ही 273 केल्विन बोलते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस को ही 32 फेरनहाइट बोलते हैं। तो जल कितने केल्विन पे जम जाता है, 273 केल्विन पे। उसके बाद देखिए टेम्परेचर ऑफ रूम। टेम्परेचर ऑफ रूम क्या होता है, सामान्य तापमान क्या होता है, अगर सेल्सियस में मेजर करेंगे तो 27 और केल्विन में मेजर करेंगे तो 300। यहाँ पे क्या हुआ, 27 प्लस में 273, ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू होता है 273, ठीक है, ऊपर में आपने देखा था। जब इनको ऐड करेंगे तो 300 आ जाएगा। और ये फेरनहाइट में लिखा हुआ है कि 80.6 फेरनहाइट पे, यहाँ 806 नहीं है, 80.6 फेरनहाइट पे, 80.6 फेरनहाइट एक सामान्य रूम का तापमान होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का तापमान कितना होता है, अगर सेल्सियस में मेजर करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस है और फेरनहाइट में मेजर करेंगे तो 98.6 फेरनहाइट है। उसके बाद केल्विन में मेजर करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे 37 में, ठीक है, तो ये आ जाएगा 310। तो 310 केल्विन हो जाएगा मानव शरीर का सामान्य तापमान। उसके बाद देखिए जल का क्वथनांक, मतलब मुझे लगता है ना वाष्प है, तो जल वाष्प पे कितने डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होता है, ये वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर इसको फेरनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 212, ठीक है, फेरनहाइट, और अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो सीधा 100 में क्या करना है, 273 को ऐड कर देना, तो कितना आ जाएगा, 373 केल्विन पर जल क्या होता है, वाष्प पे बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आपको जानना इम्पोर्टेंट था। हम अगले टॉपिक को आप देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है जीवों के वैज्ञानिक नाम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जीव मतलब जो भी जीव जंतु है ना, उनके वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मनुष्य। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आप लोग सबको पता होगा, मनुष्य को क्या बोला जाता है, होमो सेपियंस, ठीक है, ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। उसके बाद मेंढक। मेंढक को बोला जाता है राना टिग रीना, ठीक है, आप देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग मैंने सही लिखा है, हो सकता है बोलने में गलत हो रहा होगा। उसके बाद कुत्ता। डॉग को क्या बोलते हैं, कैंस फिमिलीरिज, ठीक है, फिमिलीरिज, आप देख लीजिएगा। उसके बाद गाय को बॉस इंडिकस, ठीक है। उसके बाद बिल्ली को पैलिस पैलिस डेमस्टिका, ठीक है। उसके बाद मक्खी मुस्का मुस्का डेमस्टिका, देख लीजिएगा बोलने में कुछ गलत हो रहा होगा, आप लोग स्पेलिंग सही से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि ग्रुप डी के RRB ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा सकता है और RPF के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। हम अगले टॉपिक को देखते हैं, ठीक है, इसको एक दो बार आप देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है कार्बनिक यौगिक के सामान्य सूत्र, मतलब कार्बनिक कंपाउंड के जनरल फॉर्मूला। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ देखिए पहला क्या, एल्केन, ठीक है, केन ध्यान दीजिएगा, अंत में केन लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है।
उसके बाद एल्कीन लिखा हुआ है, ठीक है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। उसके बाद एल्काइंस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। प्लस टू, यहाँ टू नहीं है और यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा एल्काइंस में। उसके बाद देखिएगा एल्कोहल, एल्कोहल किससे बनता है, तो एल्केन प्लस में ऑक्सीजन, मतलब CnH2n+2 और सिर्फ O लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। और इथर का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nO हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्कीन प्लस में ऑक्सीजन क्या बनेगा, इथर बनेगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए आप लोग। अब दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक है पदार्थों के अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा मटेरियल का कितना अपवर्तनांक होता है और क्रांतिक कोण क्या होता है। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर के बारे में। तो वाटर का होता है अपवर्तनांक 1.33। ये रिविजन क्लास है, आप लोग को रिवाइज में करवा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो देख के याद करने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद 48.5 क्या होता है, क्रांतिक कोण होता है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वाटर तो पूछा ही जा सकता है, वाटर की याद रखिएगा कि 1.33 और जो क्रांतिक कोण का वैल्यू होता है 48.5 होता है। उसके बाद यहाँ देखिएगा क्राउन काज, क्राउन काज का क्या होता है 1.52 और जो ये क्रांतिक कोण का वैल्यू होता है वो होता है 41.1 डिग्री। उसके बाद डायमंड, हीरा का भी पूछा जा सकता है, तो 2.42 मतलब 42 और जो जो क्रांतिक कोण का वैल्यू होता है वो होता है 24.4 डिग्री। उसके बाद देखिएगा फिल्टन काज, फिल्टन काज का होता है 1.65, ठीक है, अपवर्तनांक होता है और जो क्रांतिक कोण का मान होता है 37.4 डिग्री, ठीक है। तो ये जो भी मैंने चार ही लिखा है, चारों के चार इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो रेलवे के लिए सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपको सभी टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे हम उनको इस वीडियो में देखेंगे। तो अगला टॉपिक अब हम देखते हैं, हम अपने अंतिम टॉपिक को देख लेते हैं। तो अंतिम टॉपिक है कि आविष्कार एवं आविष्कारक, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे.जे. थॉमसन, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नाभिक का मतलब होता है न्यूक्लियर, और नाभिक और नाइट्रोजन दोनों की खोज की थी रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर और नाइट्रोजन दोनों की खोज की थी, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद डायनेमो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, डायनेमो की खोज की थी माइकल फाराडे ने। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैक वे रेल ने, ठीक है, आप देख लीजिएगा नाम क्या लिखा हुआ है। उसके बाद परमाणु सिद्धांत की खोज की थी जॉन डाल्टन ने, ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद है पीएच की खोज की थी एसपी सोरेंस ने, ठीक है। उसके बाद ग्रोमोफोन की खोज की थी एडिसन ने, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद गैलीलियो, ये पूछा जा सकता है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो उनके दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। उसके बाद बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेलो ने किया था, ठीक है। उसके बाद भाप इंजन भी पूछा जा सकता है, भाप इंजन की खोज की थी जेम्स वॉट ने, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आप पूछा जा सकता है। उसके बाद हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैड यानी के विंडन ने, ठीक है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद ऑक्सीजन की खोज की थी सीले पिस्टले ने, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ऑक्सीजन भी पूछा जा सकता है मे बी, और जितना भी मैंने बताया मुझे लगा कि यही सब इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप इनको इस लेसन को एक दो बार सुनिएगा तो हो सकता है कि काफी कुछ आपको याद रहे। तो याद करने का आसान तरीका है कि आप सुन के याद कर सकते हैं, ठीक है, याद करने में काफी टाइम लगता है, अगर आप सुनिएगा तो जल्दी से हो सकता है कि याद हो जाए। तो वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए थैंक यू। आशा करते हैं कि आज का दिन आपका काफी अच्छा रहे, थैंक यू।